बॉलीवुड में कई ऐसे जोड़े हुए हैं जिनका नाम सुनहरे शब्दों में लिखा जा चुका है। चाहे वो आज साथ हो ना हो, लेकिन उनके प्यार के किस्से आज भी उनके फैंस की जुबान पर है। आइए 2017 में बॉलीवुड फिल्मों के फैंस के लिए कुछ बातें करें बीते पुराने दिनों की। वो शतक जहाँ प्रेम जोड़ियों में अमिताभ रेखा की जोड़ी सबसे लोकप्रिय मानी जाती थी। चलिए जानते हैं रेखा और अमिताभ बच्चन के पुराने किस्से। रेखा अमिताभ ने एक साथ फिल्म दो अनजाने में पहली बार काम किया और यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला के बाद फिर कभी एक साथ नहीं दिखे। सदाबहार प्रेमी जोड़े का जिक्र जब भी होता है तो महानायक अमिताभ बच्चन और हुस्न की मलिका रेखा की जोड़ी का नाम सबसे पहले आता है। ये दो धड़कते दिल एक साथ क्या मिले, मानो इतिहास रच गया। 1978 के दौर में अमिताभ रेखा की जोड़ी इस कदर पसंद की जाती थी कि उस वक्त के सभी मैगजीनों के कवर पेज पर सिर्फ इनकी ही तस्वीरें छपी होती थी और इनके प्यार के किस्से लोग बड़े ही चाव से पढ़ा करते थे। अमिताभ रेखा एक दूसरे को इतना पसंद करते थे कि एक दूसरे के लिए ही सजते थे और एक दूसरे की ही पसंद के कपड़े भी पहनते थे। रेखा अमिताभ ने एक साथ फिल्म दो अनजाने में पहली बार काम किया और यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला के बाद एक साथ कभी काम नहीं किया। फिल्म सिलसिला के बाद इस प्रेमी जोड़े का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह क्या थी आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन रेखा की जिंदगी पर लिखी गई इस किताब ने वो सारे जवाब दे दिए हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में रेखा के जीवन के वो सारे राज लिखे हैं जो हम नहीं जानते। रेखा ने बताया कि जब फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ट्रायल शो देखने के लिए बच्चन परिवार पहुंचा, तो ठीक मेरे आगे वाली सीट पर जया बच्चन बैठी। फिल्म में जब मेरा और अमिताभ का लव सीन चल रहा था तो मैंने देखा कि जया रो रही है। चूंकि जया अमिताभ बच्चन की वाइफ है, इसलिए उसने अमिताभ को मेरे साथ काम करने से मना कर दिया होगा। उसके बाद कुछ प्रोड्यूसर्स के मुंह से भी मैंने सुना कि अब अमिताभ बच्चन मेरे साथ कोई फिल्म में काम नहीं करेंगे। धन्यवाद।